गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइलेट्रिया और रेडिएटा के बारे में देखा। आज के लेक्चर में हम प्रोटिस्टा के स्टेटस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके इवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप सभी को पता है कि जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है विच वॉज गिवेन बाई कार्ल लेने, तो उन्होंने ब्रॉड लेवल पे दो किंगडम दिया, ओके, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो बेसिस क्या था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेलुलोज सेल वॉल प्रेजेंट है उसको उन्होंने प्लांटी किंगडम में रखा, और जो भी ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें सेलुलोज सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था उनको एनिमेलिया में रखा। फिर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो इन दोनों किंगडम से डिफर कर रही थी, या कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज थी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, तो उनको इन दोनों किंगडम से बाहर रखा गया। द ऑर्गेनिजम्स वर फंजाई, बैक्टीरिया एंड डाई एटम्स। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? प्रॉब्लम जो है उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में आ रही थी जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का मिक्सचर थे, या दोनों की ही प्रॉपर्टीज को शो कर रहे थे। फिर से उसके बाद से आता है थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको लेकर के आए थे अर्नेस्ट हकल। तो अर्नेस्ट हकल ने प्लांटी और एनिमेलिया के साथ साथ हमें एक नया किंगडम दिया विच वॉज प्रोटिस्ट्स। तो प्रोटिस्ट्स जो किंगडम था उसका बेसिकली इवोल्यूशन इसी बेस पे हुआ, उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, जैसे कि डाई एटम्स हो गए, डीनोफ्लैजलेट्स हो गए, ओके, ये सब इंक्लूडेड थे। फिर कुछ अदर नॉन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे वर ऑल्सो इंक्लूडेड। फिर हमारा आता है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको लेकर के आए थे आर एस विटेकर। इसमें अबव थ्री किंगडम के साथ साथ दो किंगडम्स और जुड़ गए, मोनेरा एंड फंजाई। फंजाई किंगडम वॉज फॉर फंजाई एंड मोनेरा वॉज फॉर बैक्टीरिया। फिर हम प्रोटिस्टा के बारे में देख लेते हैं कुछ। तो प्रोटिस्टा जो है इट इंक्लूड्स द फर्स्ट सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके, रिमेंबर दैट दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। दे मे बी सिंपल, दे मे बी कॉम्प्लेक्स, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, दे मे बी विद और विदाउट सेल वॉल, बट ये प्लांट्स भी नहीं होते हैं, एनिमल्स भी नहीं होते हैं और फंजाई भी नहीं होते हैं। फिर जो प्रोटिस्ट्स हैं दे आर काइंड ऑफ कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिजम्स, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हैबिटेट में भी इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है, और जो इनकी जेनेटिकल और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये बहुत ही लार्ज लेवल पे है, हर एक तरीके के एनवायरनमेंट में प्रेजेंस देखने को मिलता है इनका। फिर इनको कंसिडर किया जाता है टू बी द इंटरमीडिएट स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ अदर थ्री किंगडम्स विच इंक्लूड्स द प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। फिर इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन का जो पहला बेस है वो न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफ्स दोज प्रोटिस्ट विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड्स लाइक एल्गी, डाई एटम्स, एंड हेटरोट्रॉफ्स दोज विच डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड लाइक प्रोटोजोअन, स्लाइम मोल्स एंड वाटर मोल्स। देन दूसरा जो क्लासिफिकेशन का बेस है दैट इज द सिमिलैरिटीज विद अदर किंगडम्स। तो पहला जो है वो है एनिमेलिया विच रिजेंबल्स द एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोअन्स, और दूसरा जो है इट इज द प्लांटी विच रिजेंबल्स द प्लांट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम प्रोटिस्ट के। तो प्राइमरीली जो प्रोटिस्ट होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, या लार्ज लेवल पे कह सकते हैं दे आर एक्वेटिक, बट कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। फिर वेल डिफाइंड और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें, रिमेंबर दिस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मूवमेंट जो होती है इनमें सीलिया और फ्लैजला की हेल्प से होती है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। तो मोस्टली जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि केल्प्स हो गया, रेड एल्गी एंड डाई एटम्स। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स जो है प्रोटिस्ट शो करते हैं लाइक म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन। इस स्लाइड में, इस डायग्राम में आप देखिए, ये ट्रिकोनिम्फा एक प्रोटोजोअन है जो कि टर्माइट्स के गट में प्रेजेंट होता है,
और इन टर्माइट्स के गट में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ये जो ट्रिकोनिम्फा प्रोटोजोअन्स हैं वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और बदले में उन प्रोटोजोअन्स को शेल्टर मिलती है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फिर दे शो यूनिक एडेप्टेशंस एज कम्पेयर टू द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। सम प्रोटिस्ट कैन बी पैथोजन्स, जैसे कि आपको पता है मलेरिया का जो पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम विच इज़ अ प्रोटोजोअन। फिर दे एग्जिबिट वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। ओके, फिर हम कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं, इकोनॉमिक एज वेल एज इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस कह सकते हैं, दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं प्रोटिस्ट्स। तो पहला जो है कि इनको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ बायोफ्यूल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल एन ग्रेगेरिया जो कि एक एल्गा है, दे प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस विच इज स्टोर्ड एज ऑयल्स। फिर इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके थोड़ा बहुत रिफाइन करके हम लोग बायोफ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। देन वन हाफ ऑफ द ऑक्सीजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई द प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट्स ऑन दिस प्लैनेट। देन डिकम्पोजिशन और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी हेल्प करते हैं। फिर है कि ये जो प्रोटिस्ट्स हैं दीज आर यूज एज फूड्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल सीवीड्स। आपको पता है कि सीवीड्स जो होते हैं दे आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। देन दे शोज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स, प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा था ये पॉइंट। फिर दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल्स एंड ट्रॉफिक वेब्स। देन दीज आर यूज इन इंडस्ट्रीज सच एज आइसक्रीम इंडस्ट्री। कैरेग्निन जो है वो एक एल्गी है जिसको हम लोग आइसक्रीम बनाने में यूज़ करते हैं, जो कि आइसक्रीम की जो क्रीम होती है फोमी लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। साइंटिफिक स्टडी के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड देन एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, डाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड अल्सर्स एट्सेट्रा। तो ये जो है हमने प्रोटिस्टा के स्टेटस के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टेटस ऑफ पैराजोआ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।